विपत्ति के समय में उत्तम व्यक्ति को कभी मित्र के घर पर नहीं जाना चाहिए। जब भी विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो मित्र के घर नहीं जाए। क्यों? कि कथम न याचना कुर्वे चिरादृष्ट्वा सुखं प्रियं निर्लोभान् तु भवेत् प्रीति याचन्तो गमिष्यति। जब तक निर्लोभान् तु भवेत् प्रीति, जब तक व्यक्ति निर्लोभ होता है तब तक प्रेम होता है, और याचन्तो गमिष्यति, याचना करने पर तो प्रेम खत्म हो जाता है। अगर आप पर विपत्ति है तो आप दुश्मन के घर चले जाना, क्योंकि वो मने कर देगा तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जब आपका मित्र मने कर देगा तब आपको बहुत कष्ट होगा। सुदामा जी कहते हैं वो मित्र है मेरे। सुशीला ने कहा मैं कब कहती हूँ उनसे याचना करना, उनके दर्शन करके आप तो वापस आ जाना। याचना करने के लिए मैं नहीं भेज रही आपको। देवी मैं इसलिए नहीं जा सकता, क्यों? कि रिक्त पाणिन गच्छित राजानाम ब्राह्मणम गुरुम। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? राजा के यहाँ। राजा से मिलने के लिए जाओ तो कुछ न कुछ भेंट उसके लिए होनी चाहिए। दूसरा, कल किसी ब्राह्मण से मिलने के लिए जाओ तो आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तीसरा, गुरु स्थान पर अगर आप जा रहे हो गुरु जी के दर्शन करने के लिए तो कभी भी खाली हाथ, चाहे चावल ही क्यों न ले जाओ, लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिए। और देवी मेरे घर में कुछ है नहीं, वो मेरे मित्र भी है, मेरे राजा भी है, क्योंकि द्वारकाधीश है, मैं कैसे जा सकता हूं? उसी समय सुशीला चार घर में चार मुट्ठी चावल मांग करके लाती। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथगुतांडुला। चार ब्राह्मणों के घर से चार मुट्ठी चावल लिए हैं, एक पोटली बना करके सुदामा जी को दिलो, अच्छत ले जाओ। चार घर के चावल मांगने का सुशीला का एक ही प्रयोजन है, जिससे भगवान को पता चल जाएगा ये चावल भी इसके घर के नहीं है। सुदामा जी चल दिए, चलते चलते शाम हो गई। शाम को देखा सामने नदी आ गई। अब नदी तो पार कर नहीं सकते, दुबला पतला शरीर। उसी समय नदी के किनारे बैठ जाते हैं और बैठ करके कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं कन्हैया द्वारका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। अब तो आस भी निराश हो गई, क्योंकि अब मैं नदी पार कर नहीं पाऊंगा। अब तो महाराज वहीं बैठ करके सुदामा जी गाना प्रारंभ कर देते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल,
डरे मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे, गनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी के सोने के बाद द्वारकाधीश ने अपने वाहन गरुण को आदेश दिया, गरुण मेरा मित्र सुदामा सो रहा है और मित्र सुदामा को पता भी नहीं चलना चाहिए, उसको लेकर के आओ। सुदामा जी गरुण पर सवार होकर के आ रहे हैं, ध्यान देखना, आज तक गरुण पर ब्रह्मा इंद्र शंकर जी को बैठने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान का निज वाहन है, गरुड़ पर हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता, लेकिन सुदामा जी को गरुड़ पर बैठने का सौभाग्य मिला। सोए थे वन में नदी के किनारे, लेकिन जगे समुद्र के किनारे द्वारका में। सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा, ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, भैया द्वारकापुरी में हम तो आना चाह रहे थे और ये हम तो वन में सोए थे नदी के किनारे, ये क्या है? तो कहा कि ये द्वारकापुरी है, हमारे कन्हैया का महल कौन सा है इसमें? अब कन्हैया का कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि यहाँ भगवान कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानता, यहाँ द्वारकाधीश के नाम से जानते, बहुत बड़ा नाम, श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारकाधीश जी महाराज। क्यों? माया तेरे तीन नाम पसी पसा परशुराम। जैसा जैसा धन बढ़ता है व्यक्ति का नाम भी चेंज हो जाता है। ये तो द्वारकाधीश है यहाँ तो, लेकिन एक मथुरा वाला था, वो भगवान के पूर्व नाम से परिचित था, उसने कहा है ना, जो ये सामने महल है ये द्वारकाधीश का ही, आप चले जाओ इसी में कन्हैया मिल जाएंगे। जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, यहाँ जय विजय खड़े हुए थे, सुदामा जी ने अपना परिचय देते हैं, है ना, सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मैं द्वारकाधीश का मित्र सुदामा द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। जय विजय बड़े प्रसन्न होते हैं, लोग वह कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दिया, ये भगवान के द्वारपाल हैं, किसी में धक्का दे नहीं सकते, ब्राह्मणों में धक्का दे सकते हैं, जो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले द्वारकाधीश हैं, उनके सेवक ब्राह्मणों के साथ अभद्रता कभी कर ही नहीं सकते। बड़े सम्मान से सुदामा जी को कहते हैं, देखो जी वैसे तो हमारे पास सूचना है कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत, कोई भी स्त्री, कोई भी वृद्धजन भगवान से हर समय कभी भी दर्शन कर सकता है, लेकिन अभी अभी हमें सूचना मिली है कि भगवान द्वारकाधीश भोजन के उपरांत शयन कक्ष में चले गए हैं। देव ब्राह्मण देवता, अगर आपको बुरा न लगे तो हम थोड़ी सी सूचना अंदर की ले लें, फिर आपको बताते हैं। आपको यहाँ इंतजार करना है कि अतिथि भवन में पहुंचाना है, मैं आप 2 मिनट आप हमको दीजिए। और जय विजय अंदर प्रवेश करते हैं, द्वारकाधीश शयन कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे उसी समय, और यहाँ जय विजय ने निवेदन किया, प्रभु क्षमा करना, एक बहुत ही दुबला पतला और देखने में बड़ा ही निर्धन व्यक्ति लग रहा है, धोती पटी सी लटी दुपटी, पाई उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो चकसों,
जसुधा अविरामा है पूछत दीन दयाल धाम बतावत आपन नाम सुधामा। वो अपना सुधामा नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम द्वारकाधीश के मित्र हैं, प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है, क्या उन्हें अतिथि भवन में ठहराया जाए या आप मिलना पसंद करोगे। जो सुधामा नाम सुना भगवान दौड़ लगा दे, इनके लिए भी तालियां हो रही। है ना सुदामा जी जब दौड़े बलराम जी दौड़ करके आए, भैया क्या बात हो गई, रुक्मिणी जी पूछती है क्या हुआ, जय विजयने का हमको कुछ नहीं मालूम, हमने तो केवल एक ब्राह्मण का संदेश सुना दिया और केवल जैसे ही सुदामा नाम सुना है वैसे ही ठाकुर जी भागना प्रारंभ कर दिए। 5100 रुपए अमलेश यादव हरिगन पर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। उसी समय अब सुदामा जी तो दरवाजे पर खड़े खड़े विचार कर रहे थे, पता नहीं क्यों काफी बरस हो गई है, पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे पहले देखेंगे, लेकिन नहीं तब तक तो सुदामा जी के हृदय से द्वारकाधीश ने जबरदस्ती से आलिंगन कर लिया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा भाई आ गया। सुदामा जी कहते भैया छोड़े वो भी अब अंदर लेकर के गए, जिस सिंहासन पर कभी रुक्मिणी को भी नहीं बैठने का अधिकार था उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। रुक्मिणी से कहा देवी जल्दी से जल्दी जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता आया, मेरा मित्र आया है, मैं इसके चरण पखारना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मण जब ही घर में आए उसके चरण धोना चाहिए, उसके चरणों की रज में लक्ष्मी का वास होता है। रुक्मिणी जी विचार करती ऐसा कौन दिव्य ब्राह्मण है जिसके चरण धोने के लिए आदेश मुझे मिल रहा है, रुक्मिणी कोई साधारण साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी जल लेने के लिए जा रही है। अनेका अनेक दास दासियां हैं घर में, लेकिन भगवान ने आदेश रुक्मिणी को किया है, रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, लेकिन भगवान आज समय को देखते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जल में सबसे पवित्र जल अगर है तो वो गंगा जल है, और गंगा जल भी मेरे चरणों तक है, मेरा चरणों का जल है। आज तक भगवान के नैनों को कमल की उपाधि दी जाती थी, और ये आप बात आप सब जानते हैं कि कमल जल से उत्पन्न होता है, लेकिन आज कमल से जल की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के लिए। प्रीतो व्यमुंजनन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण नेत्राणाम पुष्करे क्षण। आज कमल की पुष्प से जल की उत्पत्ति करते हुए अपनी आंखों के जल से सुदामा जी के चरण पखारे गए, चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत पंचामृत स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मस्तक पर धारण किया है, पूरे घर में उस चरणोदक को छिड़कवाया गया, पूरे घर को पवित्र कराया है ब्राह्मण के चरणोदक से। भोजन के ऊपर भोजन के लिए सुदामा जी को निमंत्रण किया, भोजन ने सुदामा जी ने कहा भैया सही बात तो ये सुबह से चल रही है अभी तक कुछ पाया भी नहीं। सुदामा जी के लिए भोजन की थाली आ जाती है, जैसे ही थाली आई सुदामा जी ने कहा भैया भूल गए तुम, क्या भूल गए, क्या रह गया, सब तो है, भैया मैंने अकेले भोजन कब किया है, आपकी भी तो थाली आनी चाहिए। द्वारकाधीश ने भैया सुदामा मैंने तो अभी अभी भोजन किया है आप आओ। सुदामा जी ने कहा आपने अभी अभी पाया, हम तो 2-4 महीने के भूखे हैं, भूल गए, हम साथ में खाते थे साथ में खाएंगे। रुक्मिणी को आदेश दिया थाली लेकर के आओ, मानेगा नहीं, और स्वयं ठाकुर जी भी भोजन के लिए बैठ जाते, दोनों पाते जा रहे हैं भोजन पाते पाते। भगवान कृष्ण ने कहा और सुदामा जी पहले आप शादी वादी की मने करते थे, क्या आपने विवाह किया,
क्या आपकी शादी हुई? सुदामा जी ने कहा, भैया क्या बताएं, परिवार वाले माता पिता नहीं माने तो हमने विवाह किया और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जो विवाह का नाम लिया, भगवान ने कहा अच्छा सुदामा जी ठीक किया आपने, अपने विवाह भी कर लिया और हमारे लिए आमंत्रण भी नहीं, मित्र को भूल गए। सुदामा जी ने कहा भैया क्षमा कर देना, हम तो तेरा पद मथुरा का ही पता जानते थे, मथुरा के पते पे हमने चिट्ठी भी डाली, लेकिन तुम मथुरा को छोड़ चुके थे, तुम तो द्वारका आ गए थे, नए घर का हम पर पता नहीं था, हमें क्षमा कर देना। भोजन के उपरांत में जब विश्राम घर में पहुंच जाते हैं सुदामा जी, भगवान चरणों की सेवा करते हैं, उसी समय कृष्ण की पत्नियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, अपना अपना परिचय देती हैं, मैं रुक्मिणी हूँ प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते देवी चिर सौभाग्यवती भव, मैं सत्य भामा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-200 रानियां प्रणाम कर गई, सुदामा जी ने कहा भैया ये सब, कृष्ण ने कहा सब ये भैया अपनी ही है। नहीं लाला अपनी है ये तो अच्छी बात है, कभी कभी पड़ोसियों को भी कह देते सब बच्चे अपने ही हैं, क्या ये तेरी पत्नी है वास्तव में इतनी? भगवान ने कहा हाँ ये सब मेरी पत्नी है, कोई भी पड़ोसन नहीं आई अभी तक, तो तूने कितने विवाह किए लाला? भगवान ने कहा सुदामा जी आपकी दया से 16108 पत्नियां हैं। सुदामा जी ने कहा मैंने एक शादी में तुमको भूल गया, पत्र नहीं दिया तो तुमने मुझे लाना दे दिया, लेकिन तुमने कौन सा पत्र मुझे डाला आज तक? कृष्ण ने कहा देख भैया सुदामा, तुम्हारी शादी में तो बैंड बाजा बारात आई होगी, लेकिन हमारे जो विवाह है ना, एक भी मैं बैंड बाजा नहीं बजा, सब व्यवस्था है अपनी, है ना? शाम के 6 बजे तक कोई सूचना नहीं, और जैसे ही रात्रि के 8 बजे विवाह होके पत्नी घर में आ गई। क्या ये सब ऐसे ही विवाह हुए? द्वारकाधीश ने कहा सौगंध खा के कहता हूँ एक भी बराती नहीं गया कोई। तो लाला एक काम कर, मैं इन सबको अलग अलग आशीर्वाद नहीं दे सकता, तू मेरे को प्रणाम कर ले, मैं तेरे को चिर सौभाग्यवती भव का जो वरदान दे रहा हूँ, मैं तेरे को आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दूंगा, जब तू आयुष्मान हो जाएगा तो ये सब सौभाग्यवती हो जाएंगे। और भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है, और सुदामा जी को ने आशीर्वाद भगवान को दिया है आयुष्मान भव। इसके बाद में और कृष्ण ने याचना की है भैया कछु भाभी हमको दियो, जब तुम्हारा विवाह हुआ तो भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब चावल रखे हुए हैं, लेकिन लज्जा हो रही है कि इतना बड़ा वैभवशाली व्यक्ति अगर मैं अच्छत निकाल करके दूंगा तो बहुत बड़ा अपयश हो जाएगा। भगवान ने इशारा किया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कोई पत्र पुष्प जल भी अगर मुझे भक्ति भाव से दे मैं स्वीकार करता हूँ। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है, भाव बिन सर्वस्व भीरे वो लगे बेकार। सुदामा जी नहीं दे रहे थे, स्वयं भगवान ने स्वयं जहार किनका तुम पतुक तंडुलान, अपने हाथ से सुदामा जी की पोटली को छीन लिया है, और एक मुट्ठी चावल सुदामा जी के खाए हैं, और एक लोक का राज्य सुदामा जी को भगवान ने प्रदान किया। भागवत जी में तो 2 मुट्ठी खाने की, एक मुट्ठी खाई थी, एक लोक का राज्य ब्राह्मण को मिला, लेकिन और लोग कहते हैं कि 2 मुट्ठी खाई थी, 2 लोक दिए थे, एक लोक का भाग्य में लिखा है, दूसरे में स्वयं लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु एक लोक की भी संपत्ति बहुत होती है। उसी समय सुदामा जी ने कहा भैया कच्चे चावल खा रहे हैं, पेट दुखेगा। उसी समय सबको प्रसाद बांट दिया है, और सुदामा जी दूसरे दिन लौट करके चल दिए, भैया मैं जाना चाहता हूं, और भगवान द्वारकाधीश ने एक भी दिन सुदामा जी को रखा नहीं, क्योंकि सुदामा जी जानते, सुदामा जी के हाथ में कुछ नहीं दिया, सुदामा जी चल दिए।
जब लौट करके अपने नगर में आए हैं सुदामापुरी, आज इतने बड़े बड़े प्रासाद बने, उन प्रासादों को देख करके सुदामा जी डर गए, भयभीत हो गए कि मेरी तो यहाँ तो झोंपड़ी भी हट गई। सुदामा जी ने जब उन बड़े बड़े महलों को मंदिरों को देखा है, सुदामा जी की स्थिति क्या है? सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर मेरी टूटी झोपड़िया, या तो हड्डी मेरी टूटी झोपड़िया, या तो हड्डी मेरी टूटी झोपड़िया, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हड्डी मेरी कपिला गई, यहाँ तो हड्डी मेरी कपिला गईया, या तो हदी मेरी कपिला गईया, गज और अश्व खड़े मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला जी निकल करके आई, सुशीला जी ने सुदामा जी का पूजन किया, सुदामा जी ने कहा सुशीला ये सब क्या है? सुशीला जी ने ये सब ठाकुर जी की कृपा है जो आप द्वारका गए थे। सुदामा जी ने कहा सुशीला जी ये कृपा तुझे मुबारक हो, जो दो चार भजन कीर्तन करते हैं वो भी छूट जाएगा, मैं चला श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो भगवान का कीर्तन करना है। सुशीला ने देखा जब मेरे पतिदेव चलती है, तो सुशीला जी ने कहा जब आपको नहीं रहना तो मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। उसी समय द्वारकाधीश प्रकट हो गए और सुदामा जी से कहा भैया ये मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा प्रसाद है, भैया इसका तिरस्कार मत करो, इसे स्वीकार करो। तब सुदामा जी ने स्वीकार किया। लेकिन इस कथा के उपरांत और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है, और उसके बाद में यादव कुल का संहार की कथा है, जो कि हम कभी कहते नहीं है ना, हमने आज तक कहीं कही, क्योंकि हम वृंदावन वासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, और हमारे बांके बिहारी तो आज भी वृंदावन में हैं और वृंदावन में रहेंगे, हमारे बांके बिहारी कहीं नहीं गए हैं। यहाँ हमने आपको 7 दिन की कथा श्रवण कराई, कथा विश्राम यहीं पर होगी। कथा विश्राम से पहले कुछ हम आपसे कहना चाहते हैं, और कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां जो हमसे हुई हैं उसके लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। देखिए सबसे पहले हम आप सबका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतनी गर्मी को सहन करते हुए अपना अमूल्य समय हमको दिया। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप मेरी वाणी से प्रभावित होकर के यहाँ आए हो, या हो सकता है हमारे जो परिचित जी हैं मुकेश यादव
उनके व्यवहार से आप आए हो, कैसे भी आप आए हो, लेकिन आपका कीमती समय मुझे आपने अवश्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, यहाँ पर आगंतुक आए हुए मेरे साथ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके सहारे कम से कम 1,00,000 लोगों ने इस पर देखा इस कथा को, और मुझे भी मालूम है मैंने कथा को बहुत सूक्ष्म में कहा, क्योंकि स्वागत समारोह काफी समय लिया और अच्छा भी लगा, मुझे भी खुशी होती है अगर ऐसे धर्म काम में लोग बाग आगे बढ़ करके आते हैं, खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो उन सब लोगों का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी माताएं हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके चावल फेंक के नहीं देते, मैया चढ़ा दो यहीं पर। हाँ, फेंकने से क्या हो जाएगा, पैरों में पड़ेंगे, ये ठाकुर जी को दे रही हूँ, फेंक रही हूँ। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आज हमारा जो माइक वाले भैया हैं बहुत बड़ा साथ दिनों का सहयोग रहा, एक बार इनके लिए बहुत जोरदार से तालियां हो जाएं। इस कथा को यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारण किया गया सिमम साख्य करहल के नाम से, एक ही फोटो स्टूडियो वाले इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और ये कथा पूरी चैनल पे आ जाएगी 3 दिन बाद, और हमारा भी एक चैनल है श्री मुकेश पचौरी जी महाराज के नाम से, जिसमें यहाँ की तो नहीं लेकिन वृंदावन की 14 दिन की कथा पड़ी हुई है, आप लोग सुन सकते हैं। उसी में वृंदावन के कुंभ की भी कथा की कुछ वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये जो टेंट लगाया है हमारे गोल्डी टेंट को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता है, और टेंट की सार्थकता सिद्ध हो गई, क्योंकि टेंट में कहीं जगह नहीं है, तो मैं इनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और भागवत जी के लिए ये टेंट का भी न्यूनतम मूल्य लेते हैं, और इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद में मैं सबसे बढ़िया बात, जो इसमें हमारे परिचित जी महाराज मुकेश यादव एवं इनका परिवार, जिन्होंने मन से तन से धन से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मैं गद्दी पर बैठा हूँ, मेरा आशीर्वाद है, मैं ये भरा परिवार छोड़ करके जा रहा हूँ, इनका परिवार ऐसे ही भक्ति के कामों में आगे अग्रसित होता रहे। और मैं एक बात और निवेदन आपसे करता हूं, 7 दिन में मेरे से या मेरे किसी भी परिकर से कोई भी गलती हुई हो सकता है हमारे परिचित किसी के द्वारा कुछ गलती हुई हो जो आपको लगा हो ये गलत बात थी, आप उनको क्षमा करेंगे, क्योंकि जब आदमी कार्यक्रम करता है उसके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार की विचार होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्षमा करेंगे। और सब लोग एक बार उनके परिवार के लिए भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। इन संतों को भी प्रणाम करता हूं, मैंने देखा है इतने संत अधिकांशतः किसी कथा में एकत्रित नहीं होते, लेकिन संतों ने पूर्ण मन से आशीर्वाद देते हुए मेरी कथा को, मेरी वाणी को सुना है। बोले संत भगवान की, माताओं के लिए तो मैं कहूंगा ही क्या, माताओं ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है ना। इसके बाद में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बुरी अच्छी सब प्रकार की कथा को सुना और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई मेरे लिए कमेंट नहीं आया,
हाँ ये मैं जानता हूँ, मैंने बहुत कथा को शॉर्ट की क्योंकि समय थोड़ा था, और ये मैंने समय का व्यतिक्रमण भी किया। कभी समय में 5:30 बजाए, कभी 6 बजाए। कई लोगों ने शिकायत भी की कि महाराज जी हम दूर दूर से आते हैं साइकिल से और अंधेरा बहुत हो जाता है, उसके लिए भी जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए भी मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। अब मैं अंतिम श्लोक भागवत जी का आपके सामने कह रहा हूँ, आप भी उसका पुनरावृत्ति करेंगे। ये नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। यहाँ 7वां दिन तक्षक का आने का हुआ था, तक्षक आते हैं। 7वें दिन परीक्षित जी तो पहले ही भगवान में लीन थे, उनका आत्मा तो परमात्मा से मिलन हो गया था, केवल शरीर रखा था, शरीर का दंशन और तक्षक के द्वारा हुआ था। यहाँ जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने उनको संतुष्ट किया। सूत जी ने ये सारा वृतांत बताया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि 7 दिन में मेरे मुंह से कितनी सारी बातें निकली, हो सकता है कुछ ही आपके मतलब की भी ना हो मैंने कहा। अगर मेरे द्वारा कोई भी गलत शब्द आपके लिए प्रयोग हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर मेरे मुंह से जो भी अच्छी बात निकली हो आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, उसको आप ग्रहण करेंगे, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि कथा सुनने का महत्व जब ही है जब हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो जाए। आप बदलाव करोगे और बदलाव करने के उपरांत मैं आज अपने परीक्षित जी को आह्वान करता हूं कि वो मंच पे आए, मुकेश यादव जी, और अपने 2 शब्द से अनुभूति कराएं, उनको कैसा लगा, अपने आगंतुक आने वाले अतिथियों का स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनका साधुवाद धन्यवाद करें। कुल वृंदावन बिहारी लाल की, हरये नमः हरये नमः। हमारे सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, वैसे तो हमने सबका निमंत्रण कराया ही है, कैसे भूल चूक अगर हमसे कोई हुई हो, कोई हमसे कोई शब्द निकल गया हो या कोई बात है, वैसे हमको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। और कल भी इसी प्रकार हमारे सब नौजवान भाई एवं बड़े बूढ़े देखभाल के लिए, और हमारे सभी नौजवान साथी और हमसे छोटे बच्चे, आप लोगों का ही भंडारा है और आप लोग ही देखभाल करेंगे, और सब माताएं बहनें हमारे गांव की और जो क्षेत्र की हमारी है, सब माताओं बहनों के साथ ही निमंत्रण है बच्चों का, सब लोग आए और भगवान का भोजन पाए, उसके बाद जो है अपना सब देखभाल करके जाए, और हमसे कोई गलती हो उसे माफ करना, और हमारे संत भगवान अगर हमसे कहीं छूट गए, वैसे कोशिश किया हमें सबको बुलाने का, तो आजू बाजू में जो भी है उनको भी लेकर के आए। और हमारे गुरुदेव से कथा कहने में, वैसे तो हम मैं अपने दिल से मानता हूँ कि हम तो अपना अच्छा समझ के गुरुदेव को लाए थे, और आज मुझे खुशी है कि हमसे कुछ लोगों ने पहले भी कहा कि ये क्षेत्रवासियों को लाना, लेकिन हमने नहीं माना किसी का, और आज मुझे इतनी बड़ी खुशी है कि ये भीड़ देख करके हमारे गुरु भी खुश हैं और हम तो बहुत ही खुश हूँ, इसलिए हमारा कोई गलती हो तो माफ करना, धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल। अब आप सबके लिए मैं बहुत अच्छी सूचना देने वाला हूँ। देखिए, आपने जो 7 दिन का समय जैसे कथा सुनने के लिए आए, उसी प्रकार प्रसाद का भी महत्व है। यहाँ हो सकता है कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, उनका निमंत्रण हो या न हो, जिन्होंने 7 दिन की कथा श्रवण की है उनका कल का निमंत्रण हम अपनी तरफ से करते हैं।
आप प्रसाद पाने के लिए अवश्य आए, क्योंकि कथा सुनने के बाद अगर प्रसाद नहीं पाते हैं तो भी कथा अधूरी रहती है, सुनने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और मेरी बात सुनना, ये यज्ञ सबकी है, सबको इसमें सहयोग करना है। देखो, इसमें पहली बार दान आया तो हमारे परिचित जी ने हमसे एक बात कही, गुरुदेव हम पर्सनल कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि इसका लोग बात कहे कि ये दान क्यों आ रहा। मैंने कहा सुनो बेटे, ये भागवत एक की नहीं होती, यहाँ देने वाला कोई आएगा हमको उसका स्वागत करना है। हर व्यक्ति इतनी बड़ी भागवत की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर किसी की भावना है और वो इसमें सहयोग करना चाहता है, एक नमक की थैली भी लेकर के आए, उसको भी माथे से लगा करके हमको स्वागत करना है, उसके मन को हमको गिराना नहीं है। तो इसमें जो किसी ने सहयोग किया, किसी पर कोई दबाव नहीं था, जिसकी स्वेच्छा जो हुई उसने सहयोग भी किया। और हमारा कहना था कि सहयोग तन और मन और धन तीनों से होगा तभी ये कार्यक्रम संपन्न होगा, तभी इसकी सफलता होगी, और आज ऐसा हुआ, सबका सहयोग रहा, वरना अकेला मुकेश तो ये टेंट के अगर गद्दे भी बिछाने में लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि सबका, मेरे युवा वर्ग के जो लड़के हैं बहुत बड़ी मेहनत करते हैं पूरे दिन, क्योंकि रात्रि में भी कार्यक्रम होता है, रात्रि भी जगना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो गायक हैं दूर दूर से आते हैं, उनका सम्मान करना भी फर्ज है, हमारा ध्यान भी रखना फर्ज है, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब देखो, मैंने 7 दिन आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इतनी सारी भीड़ में मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, कौन कौन मुझे देना चाहता है वो दोनों हाथ उठाओ अपने, भैया कोई नहीं देना चाहता है। एक बार बताऊ, मैं पैसे रुपया पैसा तो मुकेश यादव से ले लूंगा, बिना पैसे की दक्षिणा मुझे कौन कौन देना चाहता है, बिना पैसे में भी तैयार नहीं हूं आपको, तुम्हारा ना गेहूं मांगूंगा ना चावल मांगूंगा ना बाजरा मांगूंगा, टेंशन मत करो, लेकिन दोनों हाथ उठा के कहो दोगे कौन कौन, बस आपके हाथ ऐसे ही उठते रहे, स्वीकार करते रहो कि देंगे, कभी मत देना मुझे, फिर भी हिम्मत बनी रहेगी। एक हमारे बीच में नेताजी आए हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब वो कौन है मुझे नाम नहीं बताया, लेकिन वो आ गए हैं तो मैं स्वागत करता हूं उनका, और उसके बाद में आप सबके सामने भागवत जी की आरती होगी, आरती के बाद में सभी का स्वागत होगा, सम्मान होगा, मंच पे जो हमारे कलाकार वर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन सब का स्वागत सत्कार, मुकेश यादव की तरफ से जो भी भेंट दक्षिणा है वो सब सामने होगी, आरती होगी, और आरती के बाद में प्रसाद, और कल ठीक समय से आप लोग पधारेंगे, जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं वो अभी उपस्थित रहेंगे, शाम को मीटिंग होगी, कौन व्यक्ति को क्या काम देना है, क्योंकि गांव गांव की व्यवस्था है और क्षेत्र की व्यवस्था है, पूरे सब लोगों को एकत्रित रहने की आवश्यकता होगी, एक मंत्रणा की जाएगी कि क्या क्या व्यवस्था कैसे की जाए और कैसे बहुत सुलभ और सुलक्षण व्यवस्था हो जाए, जो किसी को तकलीफ आना, आने वालों की गाड़ियों की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ पर गाड़ी रखी जाएंगी, पार्किंग की व्यवस्था हो, वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कोई चोरी हो जाए किसी की गाड़ी वो भी ठीक नहीं है, 2 बच्चों को लगाना है, इधर से आने वालों की कहाँ व्यवस्था, उधर से आने वालों की कहाँ व्यवस्था, ये सारी बातों पर चर्चा होगी, और जो सहयोग इसमें करेगा उसका पूरा हम यहाँ से स्वागत करते हैं कि वो स्वागत का पात्र होगा, बधाई का पात्र होगा, और हम बांके बिहारी जी से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके घर में जो कोई भी कष्ट हो पीड़ा हो उसका निवारण हो जाए, और आप भगवान की भक्ति में इसी प्रकार लगे रहे, धन धान्य की वृद्धि हो, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। और अब हम नेताजी को बुलाना चाहते हैं, हमारे बीच में नेताजी आए हैं,
वो अपने दो शब्दों से आपको संबोधन करेंगे। बोले बंधु, मैं नाम तो जानता नहीं, हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भी सिंह यादव प्रधान जी, कौन सा नाम? कैप्टन साहब। हाँ कैप्टन साहब हैं, आइए ये माइक ले लीजिए, बोलिए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरे जे हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरे जे हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अरे जय हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरे जय हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो हरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारे। कैसे कहूँ क्या, कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बांके बिहारी। घर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी आस हमारी। भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। सब कुछ हरे लो मेरा प्रभु जी, दिल से कभी न जाना। सब कुछ हरे लो मेरा रे मेरे, दिल से कहीं न जाना। एक सहारा सारा तेरा है और ना कोई है ये सहारा। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अरज हमारी,
चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। कुछ भी न तुझसे मांगे भगवान, चाहे जितना तड़पाल। कुछ भी न तुझसे कहेंगे भगवान, चाहे जितना भी तड़पाल। इतनी सी चाह मेरी अब मुझको, मुझको भी अपना भूल न जाना, फिर भी बुलाना भूल न जाना, फिर भी बुलाना। इतने से अरज हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, सुने जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सात दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये सात दिन का हमारा तुम्हारा संयोग था, जो भगवान ने आज संपूर्ण किया। इसमें परीक्षित जी मुकेश यादव को बनाया गया, वक्ता मुकेश पचौरी को बनाया गया, दोनों ही मुकेश हैं हमारा, है ना। ये भी बड़ा सौभाग्य होता है जब परीक्षित और व्यास दोनों एक नाम से हैं, एक यादव है एक पचौरी है। अभी आपको मुकेश का अर्थ नहीं पता होगा कि नाम का अर्थ क्या होता है। जब पहली बार हम विद्यालय में गए थे तो गुरुजी ने हमारा नाम पूछा था, नाम क्या है तुम्हारा, हमने कहा मुकेश, अर्थ जानते हो क्या है, हमने कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुंह का नाम ईसा सह मुकेश, जो गूंगियों का ईश्वर है, श्रेष्ठ है गूंगों में, जबकि हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, है ना। तो भैया अब आपसे एक ही बात कहेंगे, जो आपका समय हमने लिया और कथा को बहुत संक्षेप में किया, आइए हम सब लोग आरती करेंगे। अभी थोड़ा सा आरती स्वागत रह गया है, सभी का स्वागत मुकेश यादव के द्वारा होगा, उसके बाद में एक छोटा सा भजन गाते हैं, आप लोग बैठे बैठे आनंद लेंगे। अब राम नाम गुण गाए ले उग्रे गाम पेरार के वासी, अब तुम राम नाम गुण गाए ले उग्रे गाम वासी, अब तुम नाम नाम गुण गाए ले उरे गाम पेरार के वासी, अब तुम राम नाम गुण गाए ले उरे गाम पेरार के वासी, करहल क्षेत्र निवासी बारी के वासी, हाँ करहल क्षेत्र निवासी, अवन कहारी
फिर नहीं आवे, तुमको भैया को समझावे, तुमको भैया को समझावे, तुमको बहना को समझावे, तुमको बहना को समझावे। मेरा मन है गयो लटा लटा।
लटा देख छटा अरे मेरो मन में गयो लटा फटा काना की दीवानी बन जाऊंगी 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 मस्तानी बन जाऊंगी इसका पता इसका पता अरे मेरा मन है गयो लटा पटा परिचित जी आएंगे भागवत जी का पूजन करेंगे और इसके बाद में परिचित के बाद में जो भी इनके परिवार वाले हैं हमारे यज्ञपति हैं आ जाइए वो भागवत जी का पूजन करेंगे व्यास पूजन होगा और जिस किसी को भी भागवत का पूजन करना हो व्यास पूजन करना हो वो ठीक धीरे धीरे आते रहेंगे आरती होगी आरती के बाद प्रसाद सबको दिया जाएगा सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे बोल भागवत भगवान की भैया कैमरा वाले भैया थोड़ा इसको पीछे कर लो वाले पास क्यों कोई बढ़िया संकीर्तन धीरे धीरे गाओ गोविंद राधे गोपाल राधे निकुंज में विराज घन श्याम राधे राधे निकुंज में विराज घन श्याम राधे राधे निकुंज में विराज घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे घन श्याम निकुंज में विराज गोपाल राधे
आप लोग बैठ जाए, बैठ जाओ, अब नचना बंद, बैठ जाओ। ये सब लोगों को दिखेगा नहीं तो हो क्या रहा है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सब लोग बैठे रहेंगे, बैठे बैठे प्रसाद आरती के बाद आरती के बाद दिया जाएगा। आप लोग बैठ करके ही आज आरती के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हड़बड़ हो जाती है, बात खराब हो जाती है। आप लोग इन ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, उसके बाद में आरती होगी और बैठ करके ही आरती के दर्शन होंगे। बैठ करके ही सबको प्रसाद बैठ करके ही मिलेगा। पांच मिनट लगेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जाए पर वचन न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए जब जब होवे धर्म की हानि जब जब होवे धर्म की हानि बाणी असुरे अधम अभिमानी बाणी असुरे जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी धर्म न दोष सत्य समाना धर्म न दोष सत्य समान आगम निगम पुराण भगवान जो आनंदी सिंधु सुखी राशी जो आनंदी सिंधु सुखी राशि सी करते शिया राम में सबे जग जानी शिया राम में सबे जग जानी श्री राम जय
जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े, सभी भक्त अपने स्थान खड़े हो जाएं आरती के लिए। शांत विश्व देवाः शांत ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुने मथुरा जल मिलियो नहिंद गरी मंगलाचार कियो, कृष्ण तुने मथुरा जन मिलियो नहिंद गरी मंगलाचार कियो। यशोदा 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 गोद के लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोद के लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम जसोदा के छैया श्याम बलदाऊ के वैया, कृष्ण तुम जसोदा के छैया श्याम बलदाऊ के वैया। किवन वन किवन वन किवन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर इधर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखिवारे, श्याम तुम भगतन रखिवारे। यमुना 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 रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तूने कंसासुर मार्यो, कृष्ण तूने कंसासुर मार्यो श्याम तूने भूमि भर टार्यो, श्याम तूने भूमि भर टार्यो। कालिया 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 नागिन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते हर्ष चंद आरती गाते हर्ष चंद, हृदय में होता परिमान हृदय में होता परिमान। वृंदावन 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 वास बसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन वास बसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। पर भोरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम कदा वसंतम हृदयाविन्दे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती
शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति पुष्पांजलि हरि ओम जेन जिमय जंत देवा स्थान धर्मान प्रथमान्यासन्न तिहनाकम महिमानः सजंत पूर्वे साध्याः संति देवाः हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात हरि ओम रसभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात सेवंतिकां बकुल चंपकवाड लब्जय पुन्नाग जात कर वीर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वां पूजयाम जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवान च पुष्पांजलि में आदत्तो ग्रहाण परमेश्वर तम पुष्पांजलि समर्पया। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री भक्त समाज की, श्री संत समाज की, आज के आनंद की, भागवत भगवान की, श्री काली मैया की, श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की, श्री गोगाजी महाराज की, राधा रानी की, बरसाने बारी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री पैरार गांव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांत भवतु। आप लोग जो भी आरती लेंगे, अब मेरा कहने का ये भाव है सब लोग बैठ जाएं तो ये प्रसाद बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। दो मिनट लगेंगे क्योंकि 10-15 लड़के हैं, बैठ के तुरंत दे जाएंगे आपको। आप आरती में प्रसाद में